नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यदि आपने यह उपाय कर लिया तो पहली बार में ही मुंह के छालों में आराम मिल जाएगा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मुंह के छाले होने पर तेज जलन और दर्द होता है, कुछ भी खाना पीना मुश्किल होता है, कई बार भोजन की नली तक भी छाले हो जाते हैं। छाले होना एक समान प्रक्रिया है जो कि कई बार अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर कुछ लोगों को यह छाले बार बार परेशान करते हैं, जिसका कारण पेट की खराबी, कब्ज, अपच, बदहजमी और पेट की गर्मी मुख्य कारण है। दोस्तों, मुंह के अंदर छाले होने पर पानी खूब पीना चाहिए, दिन में 8-9 ग्लास पानी पीना चाहिए ताकि पेट की गर्मी में आराम मिले। फाइबर युक्त आहार का सेवन करें ताकि कब्ज ना रहे, और कब्ज ना रहने से पेट की गर्मी नहीं होगी और छाले नहीं बनेंगे। कई बार काफी सावधानी के बाद भी मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। वैसे तो आज इसके ज्यादा कारणों पर बात ना करके सीधे उपाय की बात करते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करने पर पहली बार में ही मुंह के छालों में आराम मिल जाता है। यह पूर्णतया घरेलू उपाय है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इस उपाय के बारे में। यह उपाय है फिटकरी। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पर फिटकरी ना हो। दोस्तों, अब आपको करना यह है कि एक गिलास पानी को गुनगुना कर लें और उसमें 1/4 चम्मच पिसी हुई फिटकरी को मिलाकर घोल लें। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको करना यह है कि एक गिलास पानी को गुनगुना कर लें और उसमें 1/4 चम्मच पिसी हुई फिटकरी को घोल लें। इसके बाद आपको इस पानी से 2-5 मिनट तक कुल्ला करना है। इस पानी को मुंह के अंदर भर लें और इसको मुंह के अंदर 20-30 सेकंड तक चलाते रहे, उसके बाद थूक दें। इसके बाद अगला घूंट भरें और फिर 20-30 सेकंड तक चलाते रहे और फिर थूक दें। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता। गले में प्रॉब्लम होने पर, गले के आसपास छाले होने पर इस पानी से गरारा भी कर सकते हैं, फौरन आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा करने पे आप देखेंगे पहली बार में ही मुंह के छाले और दर्द में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इस उपाय को आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं जब तक मुंह के छालों में आराम ना मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मुंह के छाले के संबंध में कुछ और जानकारी चाहिए हो जिसका जिक्र वीडियो में ना हो, तो कमेंट्स करें, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई अवश्य करूंगा। धन्यवाद।